सिकरीगंज पुलिस ने मुठभेड़ में एक शाति लुटेरे को लूट के रुपये और कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। पकड़ा गया अभियुक्त रजनीश यादव पुत्र राम नारायण यादव उरुआ थाना क्षेत्र के प्रतापीपुर का रहने वाला है। इसका बासगांव बढ़लगंज सिकरीगंज उरुआ और बैलगढ़ थाने में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस के मुताबिक यह 2 बार पहले भी जेल जा चुका है। इसके पास से पुलिस ने लूट के 7,000 रुपए, 1 चोरी की बाइक, 1 कट्टा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि सिकरीगंज थाना क्षेत्र के पटखौली में पुलिस की मुस्तैदी से बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया। मोटरसाइकिल वाली कब थी? इधर आ जाइए, एक आदमी इधर आ जाइए। दक्षिणी क्षेत्र में कई लूटों पर हमारी टीमें काम कर रही हैं एसएसपी सर के निर्देशन में। उसके क्रम में एक लूट हुई थी 30/5 को सिकरीगंज में, जिसमें एक कलेक्शन मैन से 44,000 की लूट हुई थी इस पर, और एक मोटरसाइकिल की लूट हुई थी उसके पहले 3-5 में। सिकरीगंज की टीम और हमारी जो बाकी पुलिस की टीम है, हमारे एसओज हैं, वो सारे लोग काम कर रहे थे। उसी के दौरान हमें पता चला, हमारी टीम को पता चला कि एक व्यक्ति जो ऐसे लूटों को कर चुका है तथा उसके साथ उसका एक जो सरगना है वो भी है, उसके साथ 2-3 लोगों की टीम भी है। उस पर हमारे एसओ सिकरीगंज ने काम करना शुरू किया, इसकी पहचान भी कर ली गई। और पहचान में जब ये दूसरी घटना को करने के लिए जा रहे थे तो हमारी टीम ने उनके साथ गिरफ्तारी की जब कोशिश की, तो इन्होंने यहाँ पुलिस पे हमारी टीम पर हमला भी किया और इनकी गिरफ्तारी भी। इन्होंने बहुत सहजी रूप से स्वीकार किया है कि इन्होंने सिकरीगंज में जो 44,000 की लूट की थी, जो रामा यादव के साथ की थी, इन्होंने मोटरसाइकिल की लूट भी स्वीकार की तथा इसके अतिरिक्त भी इन्होंने कई घटनाएं स्वीकार की, जिसमें विशेष रूप से एक बढ़लगंज की घटना थी जिसमें मुर्गी दाना का कलेक्शन वैन थी और एक चैन स्नैचिंग, इतनी घटनाएँ इन्होंने बताई। तथा इनके साथ के जितने लोग हैं उनका भी नाम इन्होंने बताया, खासतौर से जो इनका सरगना है उसका नाम बताया है, उसने कितनी घटनाएं की हैं वो भी बताया। हमारी टीम उस पर बहुत सही तरीके से विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक पद्धति से कार्य कर रही है। कितने रुपए बरामद हुए? इसमें टोटल है 7,000 रुपये बरामद है। एक तमंचा है, एक खोखा है और एक अनफायर्ड आम है, एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है इसमें।